मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सीपी मिश्रा है और मैं आप सीपी मिश्रा है और मैं आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो भूगोल का के टॉपिक रखे गए हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। मित्रों, पहला हमारा टॉपिक है इसमें पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना, मित्रों, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है इसके बारे में हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। पृथ्वी के अंदर देखने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए। तो जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसके लिए अनुमान लगाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है इसको समझने के लिए हम अनुमान लगाते हैं और यह अनुमान हमारा कई तत्वों पर आधारित होता है। जैसे सबसे पहले एडवर्ड सेस महोदय ने घनत्व के आधार पर अनुमान लगाते हुए पृथ्वी की पूरी पृथ्वी की परतों को तीन भागों में विभाजित किया है। क्या उन्होंने विभाजित किया है? ऊपरी परत माना है, इसके बाद सियाल की परत माना है, यानी सियाल का मतलब हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम। फिर तीसरी परत को माना है सीमा, सीमा का मतलब हुआ सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। और अंतिम परत को माना निफे, यानी कि निकिल और फेरियम से बना हुआ निफे। ये तीन ऊपरी परत के अलावा उन्होंने तीन परतें मानी, सियाल, सीमा और निफे की। इस परत को उन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर तैयार किया। तो हम इसको मानचित्र में देखते हैं कि कौन सी सीमा ऊपरी परत में है, कौन सी सीमा सियाल की है, कौन सी परत हमारी सीमा की बनी है और कौन सी परत हमारी निफे की बनी हुई है। चलिए मित्रों, हम देखते हैं इसको मानचित्र बनाकर। ये हमारी ऊपरी परत है जो कि परतदार सेलों से बनी हुई है। एडवर्ड सेस महोदय ने इस परत के अंदर तीन और परतें मानी है, यह परत हमारी सियाल की बनी है, सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। इसके बाद यह परत हमारी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है जिसे हम सीमा कहते हैं। और अंतिम परत जो पृथ्वी के कोर में स्थित है, अंतिम परत हमारी निकिल और फेरस की बनी है जिसे हम निफे कहते हैं। एडवर्ड महोदय ने ऊपरी परत के बाद इन तीन परतों को माना, सियाल को, सीमा को और निफे को। सियाल का घनत्व होता है 2.7, सीमा का घनत्व होता है 3.8 और निफे का घनत्व होता है 11 से 13। अलग अलग परतों की अलग अलग घनत्व होने के कारण पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व, वह होता है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन इसके बाद हमें इससे ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है। तो पृथ्वी के अंदर समझने के लिए हमें और कई चीजों से अनुमान लगाने पड़ते हैं। तो देखते हैं और कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा हम अनुमान लगाया करते हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के पास के लिए हमारे पास तीन साधन है। वो तीन साधन कौन से हैं? पहला घनत्व के आधार पर, दूसरा तापमान के आधार पर, और तीसरा भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर तो आपने देखा कि कैसे घनत्व के आधार पर एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी को तीन परतों में विभाजित किया था, सियाल में, सीमा में और निफे में। सियाल का घनत्व उन्होंने 2.7 बताया था, 2.7, सीमा का घनत्व उन्होंने 3.8 बताया था, 3.8, और निफे का घनत्व 11 से 13 तक बताया था। इससे ज्यादा हमें घनत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। तापमान के आधार पर हमें क्या मिलती है जानकारी, इसको देखते हैं। तापमान के आधार पर यह देखा गया है कि पृथ्वी के अंदर जब भी हम जाते हैं तो लगभग ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग यानी 8 से 10 मीटर की गहराई तक जाने पर, गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर, ध्यान रखिएगा इसको, याद रखना होगा आपको कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। अब इस आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का जो कोर है वो लगभग 6370 किलोमीटर तक, तो इसी यदि रेशियो से गहराई में नीचे जाने पर तापमान बढ़ता जाएगा तो कोर तक पहुंचने पहुंचते, यानी कि केंद्र तक, पृथ्वी के बीचों बीच तक पहुंचते पहुंचते तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कोई वस्तु किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती, या सिर्फ हम तापमान के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो तापमान के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान के आधार पर हमें पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें क्योंकि एक पॉइंट आप यही नोट करिए कि तापमान के आधार पर हम यही बताते हैं हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में क्योंकि एक जानकारी मिलती है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, हमें लिख देता हूँ 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, वह बढ़ जाता है, अर्थात तापमान नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान। किंतु घनत्व और तापमान के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सही जानकारी और सटीक जानकारी और विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पाती। सिर्फ यही मिल पाता है कि पृथ्वी के अंदर का भाग जो भाग है वह अधिक घनत्व वाला है, किंतु वह निकला फेरस से बना हुआ है। दूसरा तापमान के आधार पर हमें सिर्फ यही जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, और इसका प्रमाण भी आप देखने को मिलता है, जैसे ज्वालामुखी फूटता है तो लावा निकलकर बाहर आता है, तो यह तो प्रमाणिक भी आप देख सकते हैं कि लावा बाहर निकलता है, इसका मतलब कि ज्वालामुखी फूटता है, लेकिन जब तापमान अधिक होगा तभी वह लावा गर्म होकर बाहर। लेकिन पृथ्वी के अंदर हमें समझने का, अनुमान लगाने का जो सबसे विश्वसनीय आधार है वो है भूकंपीय तरंग। आप जानते हैं भूकंप पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं, पृथ्वी के में एक संतुलन है, उस संतुलन की अवस्था में जैसे ही अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है भूकंप, और भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उससे कुछ तरंगें निकलती हैं। उन्हीं तरंगों के आधार पर हम उन तरंगों को समझ करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा सबसे विश्वसनीय प्रमाण है वो है भूकंपीय तरंगों को। तो आइए देखते हैं कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं। तो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को समझने के पहले हमको भूकंप को समझना जरूरी है, कौन कौन से तरंगे निकलती हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, उनके क्या गुण हैं, और उन गुणों के आधार पर कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि भूकंप क्या होता है। हमने बताया कि पृथ्वी एक संतुलन की अवस्था है, अवस्था में है, और जैसे ही संतुलन की अवस्था में अव्यवस्था, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, पृथ्वी में कंपन हो जाता है, और वही कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप कहाँ से शुरू होता है, पृथ्वी के अंदर से ही कंपन अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी के अंदर ही कंपन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि पृथ्वी में कंपन कहाँ से उत्पन्न होता है और उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, पृथ्वी के अंदर मान लीजिए यहां से कंपन उत्पन्न हो रहा है, यहां अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो जहां अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है यानी जहां से कंपन उत्पन्न हो रहा है इसे हम भूकंप
मूल कहते हैं, भूकंप मूल या इसे फोकस कहते हैं। फोकस जहां से कंपन उत्पन्न होता है उसके ठीक 90 डिग्री पर, यानी यहां पर यदि हम यहां से 90 डिग्री ऊपर जाएं तो ठीक इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। जहां पर कंपन उत्पन्न होता है वहां से ठीक 90 डिग्री पर धरातल के ऊपरी भाग पर सबसे पहले यहां कंपन का हमें अनुभव होता है। कंपन का अनुभव सबसे पहले यहां होगा, यदि कंपन यहां शुरू हुआ तो इसके ठीक 90 डिग्री पर कंपन का अनुभव सबसे पहले यहां होगा। धरातल पर जहां कंपन का सबसे पहले अनुभव होता है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर कहते हैं। हम जैसे ही भूकंप उत्पन्न होता है हम तुरंत पता लगाते हैं उसका एपी सेंटर कहां था, क्योंकि एपी सेंटर के आसपास ही चूंकि नुकसान ज्यादा होता है तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि भूकंप का एपी सेंटर कहां था। ठीक, अब जो भूकंप से तरंगे उत्पन्न होती हैं इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। जहां भूकंप का सबसे पहले कंपन अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर। ये दोनों बराबर पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए इनको बराबर ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि भूकंप से कौन कौन सी तरंगे निकलती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भूकंप से कौन कौन सी तरंगे निकलती हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम यह निर्धारित करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलें हम अब देखते हैं। मित्रों, भूकंप से तीन तरंगे निकलती हैं, जनरली तीन तरंगे निकलती हैं, पी तरंगे। पी तरंगों का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। दूसरा यस तरंगे, यस तरंगों का मतलब हुआ सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे या गौड़ तरंगे। और तीसरा है यल तरंगे, यानी कि लॉन्ग वेव्स या इसे सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। इन्हीं तीन तरंगों के आधार पर, गुणों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि पी तरंगों में क्या गुण होते हैं, क्या यस तरंगों के गुण होते हैं और क्या जल तरंगों के गुण होते हैं। थोड़ा सा इसको समझेंगे तो हमको आसान होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। सबसे पहले हम देखेंगे पी तरंगों को। मान लीजिए भूकंप यहां उत्पन्न हुआ, यानी भूकंप का जो फोकस था, यानी भूकंप का जो मूल था वो यहां था। जैसे ही यहां से कंपन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, भूकंप की प्राथमिक तरंगे ऐसे निकलना शुरू हो गई। यहां से निकलते हुए वो 103 डिग्री पर, यहां पर 103 डिग्री पर वो बाहर निकला। फिर कुछ तरंगे पृथ्वी के कोर में प्रवेश करती हैं और कोर में प्रवेश करने के बाद वे थोड़ा सा अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित होकर पुनः बाहर आती हैं, तो पुनः अपवर्तित हो जाती हैं और 143 डिग्री पर बाहर आती हैं। 103 डिग्री पर बाहर आने के बाद वो कोर में प्रवेश करती हैं और कोर में प्रवेश करने पर वे थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती हैं और पुनः बाहर जब निकलती हैं तो फिर अपवर्तित हो जाती हैं। इस तरीके से ये 143 डिग्री पर ये बाहर निकलती हैं। इसी तरीके से इस भाग में अपवर्तित होकर ये 143 डिग्री पर बाहर आती है, यानी कि 103 डिग्री 143 डिग्री के बीच में पी तरंगे दिखाई नहीं देती। ये भाग, ये जो भाग है आपका 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच वाला जो भाग है, इस भाग में पी तरंगे दिखाई नहीं देती। इस भाग में जहां पी तरंगे दिखाई नहीं देती हैं उसे हम भूकंप छाया क्षेत्र या सेस्मिक शैडो जोन भूकंप छाया क्षेत्र या सेस्मिक शैडो जोन कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भूकंप की किस तरंगों में, किन तरंगों में भूकंप छाया क्षेत्र बनता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका,
भूकंप के पी तरंगों, क्योंकि ये पी तरंगों की संरचना है, हम यहाँ पी तरंगे लिखे हैं, ये पी तरंगों की संरचना है और पी तरंगे जो है पी तरंगों में ही भूकंप का छाया क्षेत्र बनता है, यानी 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में हम पी तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, जिसे भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये आसान सा है, यह भूकंप छाया क्षेत्र किस तरंगों में बनता है, तो आपको आसान होगा पी तरंगों। अब इन तरंगों की जो विशेषताएं हैं थोड़ा सा हम उसको समझेंगे और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर तय करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसका उल्लेख हम अगले वीडियो में अपने करेंगे। तो हम अपना आज यहीं तक पढ़ाते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम पी तरंगों की विशेषताओं को देखते हैं।